और यार रिसेंटली एएमडी ने जो है तुम्हारा बजट सेगमेंट का आरएक्स 7600 को लॉन्च कर दिया है। अब देखो यार मैं तुम्हें सीधी बात बता दूं, फॉरेन यूट्यूबर्स को तो कार्ड बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई प्राइसिंग वहाँ पर डॉलर में प्राइस चलती है, हमारी यार रुपीस में प्राइस चलती है, ठीक है। तो मैं उनके सिनेरियो में बात नहीं करूंगा, बाहर उस कार्ड को गाली पड़ रही है, जो कि भाई जाहिर सी बात है पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस प्राइस रेंज में ऑब्वियसली एएमडी का खुद का कॉम्पिटिटर कार्ड है, RTX 3060 आ जाता है। तो गाइस प्राइसिंग है ना, प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई करती है, और वही चीज़ इंडिया में जस्ट उसका उल्टा है, इंडिया में प्राइसेस काफ़ी अप डाउन होते हैं ग्राफिक्स कार्ड के। तो लेट्स सी उस हिसाब से देखते हैं कि RX 7600 जो लेटेस्ट GPU तुम्हारे AMD ने लॉन्च किया है, क्या वो वर्थ इट लेना है 2023। वेल सर, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन रामा और आप सब देख रहे हैं टेक्नाइंड यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। तो गाइस देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सबसे पहले तो RX 7600 के स्पेक्स देखते हैं हम। देखो क्या स्पेक्स में तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 8 GB की वीरैम आ रही है, बाकी ऑलमोस्ट तुम्हारा 6650 XT से थोड़ा सा अबोव है, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड काइंड ऑफ स्लाइटली अबोव है, कोई ज़्यादा ड्रास्टिकली मतलब कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है ग्राफिक्स कार्ड के अंदर, या फिर तुम्हें बिल्कुल ही एकदम न्यूअर चीज़ दे दी हो AMD ने, नहीं ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। काइंड ऑफ तुम्हारा 6650 से तुम्हारा 215% फास्ट है, और तुम्हारा 3060 से तो फास्ट है ही, क्योंकि 6650 3060 जैसी परफॉर्मेंस देता है, तो ऑब्वियसली ये कार्ड तो उससे फास्ट होना ही है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो फिलहाल ये कार्ड MD कंप्यूटर्स पे बिक रहा है काइंड ऑफ 27,000 रुपीज़ में, और तुम्हारा 6650 बिक रहा है तुम्हारा 24,000 रुपीज़ में, ठीक है। और तुम्हारा 3060 बिक रहा है काइंड ऑफ RTX 3060 जैसा कार्ड तुम्हारा बिक रहा है 30,000 रुपीज़ में। तो गाइस यहाँ पे जो है गेम फंस जाता है, ठीक है। बेसिकली अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार तुम कंसिडर कर सकते हो कि यार तुम 3060 तरफ जाओ, कि देखो 3060 की तरफ जाने का मतलब ही नहीं है। मैं पहले भी मना करता था, मैं आज भी मना कर रहा हूँ और मैं आगे भी मना करता रहूँगा, क्योंकि उस कंपटीशन में AMD के कार्ड ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। बट फॉरेन चीज़ में ये नहीं है, फॉरेन में क्या है तुम्हारा 3060 जो है वो लोअर प्राइस में, 7600 की प्राइस हायर है, तो वहाँ पे जो क्या है लोग उसे लेना पसंद नहीं करेंगे। इंडिया में क्या है भाई, 3,000 भी कम हो ना तो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार भाई मुझे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे वो वाला कार्ड लेना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये कंसीडर करूँगा और RX 7600 की तरफ जा सकते हो इन 2023, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना जितना लोग बाहर क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इंडिया में वो सिनेरियो नहीं है। अच्छा खासा कार्ड है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, 6650 XT से एक जनरेशन अगर तुम अपग्रेड करना चाहो लाइक 27,000 रुपीज़ यानी कि 3,000 रुपीज़ देखे, अगर तुमको 15% परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल रही है तो भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी डील है, ठीक है। तो यार चलो हम थोड़े बेंचमार्क्स तरफ चलते हैं RX 7600 के। We'll be right back.
आज देखने के बाद आपको एक रफली आइडिया लग गया होगा कि यार 7600 की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है और कैसी नहीं होने वाली है। वेल सो गाइस, अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है RX 7600 से लेकर तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। वेल सो गाइस, होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करें, तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।